दिल्ली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए हर रोज अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे आज के कार्यक्रम का जो विषय रहेगा इस बारे में आपको जानकारी हम दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे मूली की खेती के बारे में और बात होगी नए बागों के रोपण और उनकी देखभाल की। ये हमारा आज का विषय रहेगा और इस विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 1800-11-3060, साथ ही 1800-11-3061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए तो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीएस तोमर जी। आप अध्यक्ष हैं शांति विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आरएम शर्मा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं फल एवं उद्यान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर शर्मा। तो जैसा हमने आपको बताया हमारे आज के ये विषय रहेंगे और सबसे पहले अगर बात की जाती है डॉक्टर तोमर आपके पास हम आना चाहेंगे मूली की खेती की। अगर हम बात करें अभी का जो समय है क्या इसको हम एक उचित समय मान सकते हैं मूली की खेती के लिए, क्योंकि अब तो फसलें ऐसी भी हैं कि बेमौसमी अगर आपको उनकी फसल लेनी है तब भी हमारे किसान ले लेते हैं, लेकिन अभी के मौसम में अगर किसान करें तो क्या उनकी उपज रहेगी और कितना मुनाफा उनको मिल सकता है? देखिए मुकुल जी, अगर हम मूली की बात करें, मूली मुख्यतः सर्दी की मौसम की फसल थी पहले जी, और गर्मी के मौसम में इसकी खेती जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें की जाती रही है, लेकिन किस्मों के विकास के कारण और विकास की जो हमारी प्रगति रही है जी, ये संभव हो पा रहा है कि हम मूली की खेती वर्षा के मौसम में भी कर सकते हैं, जिसको हम बेमौसमी मूली भी कह सकते हैं जी, क्योंकि वर्षा का जो मौसम है उसका एक बड़ा विचित्र ही लक्षण है कि वर्षा अधिक हो सकती है, वातावरण में तापक्रम 38 से 40 डिग्री के आसपास रहता है, रात्रि का तापक्रम 22 से 24 डिग्री रहता है और आर्द्रता भी बहुत अधिक होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में मूली की खेती करना एक चुनौती भरा काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसान भाई मूली की खेती नहीं कर सकते। बिल्कुल, यानी चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन कैसे यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है और किस तरह का प्रबंधन इसके लिए आवश्यक है इस बारे में आगे आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जलवायु
तो जाना आपने किस तरह का जो प्रबंधन है वो हमें अपनाना चाहिए जिससे अच्छी उपज हमें मिल सके। लेकिन कई ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य हैं जिन पर जानकारी होना बेहद जरूरी, तभी आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए फिलहाल नए बागों के रोपण की, तो वहां पर आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा ये जानने के लिए आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर शर्मा का, जो हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम नए बागों के रोपण की बात करते हैं, क्या क्या विकल्प हैं? और क्योंकि माना जाता है कि जैसे ही बारिश का जब मानसून का आगमन हो जाता है तो ये एक अच्छा उचित समय जो है शुरू रहता है हमारे बागों के रोपण के लिए, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे इस दौरान किस तरह की तैयारी जो हमारे किसान है उनको करनी चाहिए। एक तो मैं सबसे पहली बात ये बता दूं कि जो फल बागवानी है ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला व्यवसाय है, और अगर इसमें कोई भी शुरुआती भूल हो जाए जी, तो उसको खुद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत प्लानिंग की आवश्यकता है, योजनाबद्ध तरीके से बाग लगाने की आवश्यकता है अगर वास्तव में आप उससे व्यावसायिक उत्पादन चाहते हैं। तो सबसे आवश्यक बात यह है कि सारे काम होने से पहले आप पहले ये देखें कि मुझे पौधा कहाँ से अच्छा मिले जी, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि पौधा या तो आप किसी सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नर्सरी से खरीदें या किसी सरकारी नर्सरी खरीदें, चाहे वहां पर कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अपनी नर्सरी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, या आईसीआर की अपनी कोई नर्सरी है, या सरकार द्वारा खास करके नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा बहुत सारी नर्सरी का एक्रेडिटेशन हुआ है, प्रमाणित केंद्र से ही यानी हम मान सकते हैं जी। तो उच्च पौधा खरीदें और पहले पौधा को आप बुक कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप गड्ढे भी खोल लेते हैं बाद में पता चला आपको पौधे नहीं मिल पाते। तो इसलिए सब पहली प्लानिंग है कि आप कौन सी प्रजाति अपने क्षेत्र में लगाना चाहते हैं और वो प्रजाति किस जगह से आपको अच्छी गुणवत्ता वाली मिलेगी, तो उसकी बुकिंग बहुत आवश्यक है जी, ताकि इतने पौधे आपको मिल रहे हैं आप उतनी मेहनत करें। दूसरी चीज आती है कि जमीन की तैयारी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे बरसात हो चुकी है लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पास मौका है। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको बाग लगाना है तो उससे पहले सही तरीके से रेखांकन करने के बाद, कम से कम गड्ढे खोदने के बाद, एक मीटर गुणे एक मीटर गुणे एक मीटर का जो गड्ढा है उसको खोद के हम छोड़ देते हैं ताकि उसमें थोड़ी सी धूप लग जाए। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अभी बारिश नहीं हुई है उनके पास अभी विकल्प है कि वो गड्ढे को खोद के, क्योंकि अभी गर्मी ठीक पड़ रही है, 40 डिग्री के आसपास तापमान जा रहा है जी, तो गड्ढे 2-4-5 दिन अगर वो खुला छोड़ देंगे तो उसमें अंदर अगर कोई दीमक है, किसी बीमारी कोई बीमारी है या किसी कीड़े के अंडे हैं तो वो स्वतः ही मर जाते हैं। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, क्योंकि बरसात शुरू होने वाली है, जैसा कि फोरकास्ट है कि 4 जुलाई के बाद उत्तर भारत में काफी बरसात होगी, तो उससे पहले इस बात का ध्यान रखें कहीं ऐसा ना हो कि आप गड्ढा खुला खुला छोड़ दें और बारिश हो जाए तो आपका जो रोपण का कार्य है वो प्रभावित हो जाए जी। तो अगर आप यहाँ बारिश हो गई है और इतना समय आपके पास नहीं है कि आप गड्ढा खोद के छोड़ सकें, तो अच्छी बात यह है कि गड्ढे खोद लें, खोदने के बाद थोड़ी सी मिट्टी उसकी कम कर दें और बची हुई मिट्टी में कम से कम 30-40 किलोग्राम बिल्कुल सड़ी हुई खाद गोबर की, उसको मिट्टी के साथ मिक्स करके और जमीन से ऊपर तक भर दें। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे दीमक का प्रकोप बहुत ज्यादा है तो खुदे हुए गड्ढे को और उसकी मिट्टी को खाद मिलाने से पहले क्लोरोपायरीफॉस लगभग 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर के छिड़क देते हैं। तो अगर वहाँ दीमक का प्रकोप ज्यादा है जी, और गड्ढे की भराई में समय कम है, तो उससे क्या होगा कि जो दीमक है उस क्षेत्र में वो वहां से माइग्रेट कर जाएगी या मर जाएगी और आपका पौधा स्वस्थ रहे। चलिए, ये बेहद जरूरी कि जो पौधा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहे, इस बारे में आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे डॉक्टर शर्मा, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी।
की जा सकती है, लेकिन वही नहीं मानी जाती है। आपकी खुशियों को जून जुलाई में इंतजार किए जा सकते हैं। तो जाना आपने, बारिश का जो मौसम है वो उचित माना जाता है अगर नए बाग आपको लगाने हैं, लेकिन इसके लिए पहले से ही आपको तैयारी करनी होगी। जैसा डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जो गड्ढे हैं वो पहले से हमें खोद लेने चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जो दर्शक हैं वो जुड़ने शुरू हो चुके हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, हेलो जी, स्वागत है आपका। लखबीर जी क्या जानना चाह रहे हैं? सर हम मूली की खेती करते हैं जी। सर मैंने 20 दिन की मूली बोई हुई है। सर हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपका सवाल? हाँ सर, और मैंने जो जड़ में झिंझाज लग जाता है तो उसका क्या इलाज है जी? कौन सी किस्म आपने ली है? सर किस्म की तो मुझे जानकारी शायद पूसा चेत की है। सर पूसा चेत की, चलिए बिल्कुल। डॉक्टर तोमर क्या आपको बताना चाहेंगे? देखिए लखबीर जी, आपने जो बताया कि भाई आपकी मूली 20 दिन की बिजाई की फसल हो चुकी है जी। और ऐसे में पौधे में अब वानस्पतिक वृद्धि हो रही है, अभी जड़ का निर्माण तो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि मूली में जड़ का जो निर्माण है वो तकरीबन बुआई के 25 से 28 दिन बाद शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसका फिर विकास होता है और तकरीबन 35 से 40 दिन के अंदर अगर चेत की किस्म है तो वो पूरी तैयार हो जाती है जी। अगर आपके खेत में गिंडार की दिक्कत है, गिंडार संभवतः अभी पत्ती के ऊपर आक्रमण करती है और ये जड़ों के ऊपर अभी आक्रमण नहीं करेगी क्योंकि जड़ों का अभी विकास नहीं हुआ है, तो आप अपनी जो खड़ी फसल है उसमें कोई भी संपर्क कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं, जिसमें आप रोगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटासिस्टोक्स ले सकते हैं जी, या आप एवामेक्टिन का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इसको आप अभी छिड़काव कर दीजिएगा और खेत की सफाई रखें तो आपके खेत में ये जो कीड़ा है ये नियंत्रित हो जाएगा जी। बिल्कुल, इसके साथ ही डॉक्टर तोमर जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने बताया कि बेमौसमी अगर हम मूली की खेती करना चाहते हैं, लेकिन लगातार अगर हम देखें जो खेती होती है और जलवायु और जो मिट्टी है वो काफी महत्व रखती है, तो क्या ये संभव है कि हर तरह की मृदा में मिट्टी में हम मूली की खेती कर सकते हैं?
देखिए आपने मुकुल जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं अपने किसान भाइयों को भी बताना चाहूंगा कि अगर आप वर्षा के मौसम में मूली की खेती करते हैं या सामान्यतः भी आप मूली की खेती करते हैं जी, तो इसके लिए बलुई दोमट या दोमट किस्म की मिट्टी सबसे अच्छी होती है और विशेषकर वर्षा के मौसम में जो भारी मिट्टी वाले खेत हैं जिनमें बलुई दोमट से लेकर के चिकनी दोमट या चिकनी मिट्टी है, ऐसे खेतों में मिट्टी की जांच के बाद ये निश्चित कर ले, ये किसान अपने अनुभव से जान ले, इस प्रकार की मृदा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये अगर भारी मिट्टी है खेत की तो उसमें जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता है, छोटा होता है। दूसरी बात यह है कि आपको सैंडी लोम या लोम सोयल ब्लूई दोमट या दोमट मिस्की किट्टी वाले खेतों का ही चयन करना है जी। इसके साथ साथ जो खेत आप चयन कर रहे हैं उसमें खरपतवारों का मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको पूर्व अनुभव से इस बात का ज्ञान होता है किसान भाई को कि मेरे खेत में कौन कौन से खरपतवार बारिश के मौसम में आते हैं और विशेष करके जो हमारे बहुवर्षीय खरपतवार हैं जैसे मोथा है या दूब है, इनका प्रकोप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो ध्यान रखने की है वर्षा के मौसम में, अगर हमारे किसान भाई बेहतर फसल उगाना चाहते हैं तो खेत में जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। चलिए महत्वपूर्ण बातें रखना होगा जी। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं नैनीताल उत्तराखंड से, बहुत बहुत स्वागत देवेंद्र जी आपका, क्या जानना है? नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, मैं कह रहा हूँ टमाटर के पत्ते भी काले हो गए, दाने भी काले हो गए सर। चलिए बिल्कुल, देखिए आज तो हम मूली के बारे में जानकारी दे रहे हैं लेकिन सवाल जो आपका आया है टमाटर की खेती ये करते हैं डॉक्टर तोमर और पत्ते जो हैं वो काले पड़ने शुरू हो चुके हैं, क्या लक्षण किस बीमारी के? देखिए ये जो लक्षण है ब्लैक स्टार्प एक बीमारी आती है वो जी, या कई बार फफूंद की बीमारी आती है, सेप्टोरिया लीफ ब्लाइट बोलते हैं इसको, तो इसमें पत्तियों के ऊपर काले काले धब्बे बन जाते हैं, पहले ब्राउन रंग के होते हैं फिर वो काले रंग के हो जाते हैं, धीरे धीरे पत्ती वहां से फट जाती है, तो ये एक इसका फफूंद का रोग है जी। और जहाँ पे आर्द्रता अभी जैसे आप नैनीताल जनपद से जुड़े हैं वहाँ पे अभी इसके लिए वातावरण बहुत मुफीद है, तो ऐसे में जिन खेतों में या पौधों में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनमें या तो उन पौधों को निकाल करके उनको नष्ट कर दें जी, या उनके पत्तों के पुराने पत्तों पे पहले इसका आक्रमण होता है उन पत्तों की तुड़ाई कर दें। अगर ये संभव है तो ठीक है, अगर ये संभव नहीं है, व्यावहारिक नहीं लगता किसान को, लागत ज्यादा है, खेत का क्षेत्रफल बड़ा है, ऐसी परिस्थितियों में हम किसान भाइयों को कहते हैं कि भाई आप फफूंदनाशियों का इस्तेमाल करें। फफूंदनाशियों में कई कॉम्बिनेशन में आते हैं, पहले हम बोलते थे कि भाई आप डाइथेनम 45 का इस्तेमाल करिए या रिडोमिल का करिए, आजकल जो फफूंदनाशी हैं वो दो कॉम्बिनेशन में उपलब्ध होते हैं जिसमें रिडोमिल होता है और रिडोमिल के साथ बायोस्टिन भी होता है और वो अलग अलग ब्रांड से कंपनियों द्वारा मार्केट किए जाते हैं, यानी फफूंदनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जो समस्या बिल्कुल है। इसके लिए फफूंदनाशी का इस्तेमाल करना होगा और 5 से 7 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करने पड़ेंगे और उसकी दवा की मात्रा लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके जी उसका छिड़काव करें और छिड़काव करने से पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, जानकारी होना जरूरी है कि अगले 18 से 20 घंटे के अंदर अगर बारिश नहीं हो रही है तो उस छिड़काव का बेहतर प्रदर्शन किसान को अपनी फसल में देखने को मिल सकता है। चलिए बिल्कुल, देखिए इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, आगे भी आपको हम लगातार जानकारी देंगे मूली की खेती और नए बागों के रोपण उनकी देखभाल के बारे में, लेकिन फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान किसी का भी कोई दबाव करने के लिए पूरा एक सामान था, तो मैं बस काम करने पर केवल 400 फीट लगा दिया, फिर और मिल गया मुझे अपना आधार कार्ड लेकर फोटो और जमीन के कागजात लेकर अप्लाई करो, बस करने के लिए
24 घंटे के बाद वापस निकाल सकते हैं। दूसरी चीज है किसान की जिंदगी वाकई बदलती है, तो आप किसान क्रेडिट कार्ड और सहजता से खरीद पाए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं मूली की खेती और उसके साथ साथ नए बागों के रोपण उनकी देखभाल के बारे में। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, माफ कीजिए मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं राधेश्याम जी? हाँ जी जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। सर मैं अमरूद के बारे में पूछना चाहूँ, किंग ताइवान जो आ रहे पौधे लगाना ठीक है अभी? आप इसके लिए उचित समय जानना चाह रहे हैं, कब लगाना चाहिए? हाँ अभी लगाना का है। चलिए बिल्कुल, आइए अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर आर एम शर्मा जी का। डॉक्टर शर्मा, एक सवाल मध्य प्रदेश से हमारे पास आया है, जानना चाह रहे हैं कि अमरूद ये वेरायटी कौन जी, अमरूद के बाद अभी लगाए या नहीं? लीची है, अमरूद है, आम है, नींबू वर्गी फल है जी, सभी का जो जिस समय है सबसे अच्छा समय है जुलाई और अगस्त का महीना होता है, तो इसलिए बिल्कुल सही समय है अगर आप इन फलों को लगाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि पौधा अच्छी गुणवत्ता वाला हो और पौधे की उम्र जो है एक साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जी, इन बातों का ध्यान। चलो बिल्कुल, तो देखिए संभावनाएं तमाम है, लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर शर्मा जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि तैयारी जो है उसमें हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ना सिर्फ अमरूद बल्कि और क्या क्या अच्छे विकल्प हैं किसानों के पास जिसके जरिए वो बागवानी के क्षेत्र में आगे आ सकते हैं? देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो फलों का व्यवसाय है जैसा कि मैंने अभी कहा कि बहुत लंबे समय तक चलता है, इसलिए चुनाव बहुत आवश्यक है कि आप किस प्रजाति को वहां लगाएं। और जो जहां तक आप बात कर रहे हैं तो हमारे जो उत्तर भारत की अगर हम बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे अगर मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो वहां पे नींबू वर्गीय फलों का बहुत अच्छा स्कोप है और अमरूद का भी, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे देश में सबसे अधिक उत्पादकता जो है वो अमरूद की मध्य प्रदेश में है जी। इसके अलावा अगर आप नींबू वर्गीय फलों की तरफ जाते हैं तो नींबू वर्गीय फलों की विशेषता ये है कि अगर आप प्रति बार नींबू वर्गीय फलों को लगाते हैं तो साल में कम से कम 8 से 9 महीने आप आय कमा सकते हैं। इसमें लाइम है, लेमन है और मीठी नारंगी है, और क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ जगह पर संतरा भी बहुत अच्छा होता है, नागपुर संतरा भी जो महाराष्ट्र से जो पार्ट टच करता है वहां पर बहुत अच्छा होता है जी। और ग्रेप है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप पद्धति बार लगाते हैं तो 8 से 9 महीने आप आय कमा सकते हैं जी, बिल्कुल। ऐसे में एक बात और भी कहना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई को कोई छोटी जोत के कारण सोचते हैं कि अगर मैं फल पौधे लगा दूंगा तो मैं फिर बाकी चीजें नहीं उगा पाऊंगा, तो अगर आप आम अमरूद इस तरह की फसलें लगा रहे हैं तो आप शुरुआती वर्षों में जब तक उससे आपको आय नहीं हो रही उसके बीच में आप सब्जियां भी भरपूर लगा सकते हैं। खास करके अगर दलहनी वाली फसलें लगाएंगे जैसे आप मटर है, मूंग है, माश है या दूसरी सब्जियां भी लगाना चाहते हैं तो उनको भी लगा सकते हैं जो भी स्थान खाली है, ताकि जो खाली स्थान है उसका सदुपयोग आप कर सकें और ज्यादा आय कमा सकें, खास करके उस समय जब आपको बाग से कोई आय नहीं मिले जी। बिल्कुल, स्पीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से ही, बहुत बहुत स्वागत आपका भी हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सोनू जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मैं अमरूद के बाग के बारे में जानना चाहता हूँ जी। अमरूद के बाग आप लगाना चाहते हैं जी? सर हाँ सर, मध्य प्रदेश में कौन सी किस्म अपने जी? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर शर्मा जैसा आप बता रहे थे कि अगर मध्य प्रदेश की मैं कौन सी किस्म लगा सकता हूँ, और पपीता भी लगाना चाहते हैं अपन ताइवान के, कोई सरकारी स्कीम है कि नहीं जिसके तहत अपन लगा सकते हैं जी? डॉक्टर शर्मा, जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं सोनू जी मध्य प्रदेश से, जानना चाह रहे हैं कि कौन सी अच्छी किस्म रहेगी मध्य प्रदेश के लिहाज से, और उसके साथ साथ अगर ये बागवानी करना चाह रहे हैं पपीते की भी, तो क्या ये दोनों जो विकल्प हैं कैसे इनको और बेहतर मुनाफा दिला सकते हैं? देखिए जहां तक अमरूद की बात है, अमरूद में ग्वालियर से एक बहुत अच्छी प्रजाति है, ग्वालियर 27 के नाम से जो मध्य प्रदेश के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई है। इसके अलावा अलावा सफेदा, लखनऊ 49, अभी हाल ही में लाल बुदेरी कुछ प्रजातियां आई है जैसे ललित है, पंजाब पिंक है,
चार सुरखा है, पुरानी वेराइटी है, तो निर्भर करता है कि किस तरह की प्रजाति लगाना चाहते हैं। इसमें लाल बूदे वाली भी है जी। और सफेद भी है। जहां तक पपीते की बात है, जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगता है कि जहां फ्रॉस्ट की बहुत अधिक प्रॉब्लम है, पाला जहां ज्यादा पड़ता है, वहां मैं इनको कहूंगा कि अगर ये पपीता ना उगाए तो बेहतर होगा। क्योंकि लेकिन जैसे इंदौर का क्षेत्र है या ऐसे क्षेत्र हैं जहां ठंड बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, वहां पर पपीता का बहुत अच्छा स्कोप है। और रेडली डी बहुत प्रजाति है बाजार में, जो गायनोडायोसियस है, जिसमें हर पौधे पर फल आता है। अन्यथा पपीता जो है डायोसियस फल कहा जाता है कि नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। तो इसी तरह पूसा संस्था ने भी कुछ प्रजातियां निकाली है, जैसे हमारी जो पूसा नन्ना है डायोसियस पर रहती है, तो लेकिन पूसा नन्ना को भी लगा सकते हैं। और रेड लेडी बहुत ही उपयुक्त प्रजाति है जी, मध्य प्रदेश में लगा। चलिए बिल्कुल, तो अलग अलग प्रजातियां हैं। और साथ ही अगर हम किस्मों की बात करते हैं डॉक्टर तोमर, तो हमारी मूली की भी कई उन्नत किस्में हैं, लेकिन अगर हम बेमौसमी खेती ले रहे हैं तो क्या कुछ ऐसी भी किस्में हैं जिनमें जो प्रतिरोधक क्षमता है उनकी ज्यादा अच्छी है, पानी को ज्यादा वो झेल सकती हैं, जो रोग के प्रति भी ज्यादा असरदार नजर आती हैं? निश्चित रूप से जब हम बेमौसमी खेती करते हैं, तो जैसे मैंने प्रारंभ में ही ये बात कही थी कि मूली की खेती में जो चुनौतियां हैं, उसमें चुनौतियों का मैंने जिक्र करते समय इसी बात को ध्यान में रखा था कि वर्षा के मौसम में जो किसान भाई मूली की खेती करना चाहते हैं, तो उसमें किस्म विशेष का चयन करना है, क्योंकि सभी किस्में वर्षा के मौसम में बेहतर प्रदर्शन नहीं करती हैं। क्योंकि जड़ों के विकास के लिए किस्मों को एक निर्धारित तापक्रम की आवश्यकता होती है, जिसके अनुरूप वो किस्में फिर जड़ों का विकास करती हैं। जैसे हम बात करें पूसा छेद की, एक बहुत ही पॉपुलर किस्म है हमारे संस्थान के द्वारा विकसित की गई है, बहुत पुरानी किस्म भी है और लेकिन ये बहुत ही व्यापक रूप से इसकी खेती होती है और इसका अडेप्टेशन बहुत अच्छा है जी। तो पूसा छेद की को लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे नामांतर अवेलेबल है बाजार में, जैसे लोंग चेतकी है, समर लोंग चेतकी के नाम से भी अवेलेबल होती है और बरसाती के नाम से भी अवेलेबल होती है। मतलब अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इनका मार्केट करती हैं और बहुत सारी किस्में बाजार में अन्य कंपनियों की भी हैं। तो मैं कहूंगा कि जो भी किस्म आप चुने, अपने पूर्व अनुभव के आधार पे या उसके उत्पादक के आधार को ध्यान में रखते हुए आप किस्मों का चयन करें। और ये जो किस्में मैंने कही बताई हैं, ये वर्षा मौसम के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं जी। हमारे किसान भाई इनका चयन करके इनकी बिजाई कर सकते हैं जी। बिल्कुल। उस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उड़ीसा से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, अजीत जी बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, मैं तो बागवानी के बारे में पूछना चाहता था जी। मैं पिछला साल से सोच रहा हूँ कि मैं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में बागवान करूँ जी, लेकिन अच्छा वैरायटी का पौधा रजिस्टर नर्सरी सर उड़ीसा में अवेलेबल है कि नहीं, वही पूछना चाहता हूँ सर। क्या चीज उड़ीसा में लगाने से अच्छा होगा, और अच्छा पौधा जो सर नाम बता रहे थे इसका जो वैरायटी का जो बता रहे थे, वो वैरायटी उड़ीसा में कहाँ अवेलेबल हो सकता है, कौन सा नर्सरी में अवेलेबल हो सकता है, और कौन सा बागवानी करने से उड़ीसा में अच्छा होगा? चल बिल्कुल, कहाँ पर यानी इसकी उपलब्धता हो सकती है ये जानना चाह रहे हैं। हेलो, हाँ हाँ जी जी, हाँ सर, मैंने सर बागवानी में करना चाहता हूँ, सुंदर उड़ीसा से बोल रहा था जी। बिल्कुल, तो सर कौन सा मैंने चीज उड़ीसा में लगाने से, कौन सा बाग लगाने से अच्छा होगा, और कौन सा रजिस्टर पूसा संस्थान या कौन सा रजिस्टर फार्म में जहाँ से हम उड़ीसा से बगल से ले सकता हूँ, मैंने अगल बगल से उड़ीसा स्टेट से ले सकता हूँ? बागवानी में आप जो हमारे फल हैं इस तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं या सब्जियों में भी आपकी रुचि है, सब्जी फसलों में? नहीं नहीं सर, मैं बागवानी का बात कर रहा हूँ सर। चलिए, फल के लिए आप ज्यादा जाना चाह रहे हैं, और चलिए यहाँ आप रुख कर लेते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, जैसे उड़ीसा से हमारे साथ जो किसान हैं जुड़े, बागवानी में भी रुचि रखते हैं, और खासतौर से फलों की खेती की अगर बात की जाए, कौन से, अगर हम उड़ीसा क्षेत्र की जलवायु की बात करें, वहां के लिहाज से कौन से ऐसे फलों के विकल्प किसान के पास मौजूद हैं जिससे अच्छा उत्पादन मिले और मुनाफा भी वो अच्छा ले सकें? बिल्कुल, उस चीजें तो मैं बता रहा हूँ, और अगर वो विस्तृत जानना चाहते हैं तो उड़ीसा में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर का अपना सेंटर है भुवनेश्वर में, जैस के नाम से जी, तो ये वहां भी जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, वहां के लिए वहां की जलवायु ट्रॉपिकल है, और आम जो है, आम वहाँ के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है, और वो उड़ीसा से एक प्रजाति निकली है आकर नीलांचल के नाम से।
आर्कानिलेंटल के आम की जो बहुत जल्दी पक जाती है, जो वहाँ जो आम की पकता है वो बहुत अर्ली अप्रैल के आसपास आर्कानिलेंटल उनकी जी है, तो वो बहुत अर्ली वैरायटी है, तब उसको करते हैं। और हमारी जो अपनी पूसा की प्रजाति अम्रपाली वो भी उड़ीसा में बहुत सक्सेसफुल रही है, कई क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन किया है। इसके अलावा वहाँ पाइन एपल की बहुत संभावनाएं, अनानास की, मैं कहूंगा काजू की वहाँ बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, तो और अमरूद है वहाँ पे, तो ये बहुत सारी फसलें हैं। और अगर उन्हें और विस्तृत जानकारी वहाँ लोकल जलवायु के लिए चाहिए हो तो मैं उनको कहूंगा कि भुवनेश्वर में एक सेंट्रल हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर है जी। तो अगर वो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से उनको पौधे भी मिल जाएंगे और जो भी प्रजातियां वहाँ के लिए उपलब्ध है वहाँ से वो फसली पौधे वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो देखिए आईसीआर के जो संस्थान हैं वो हर जगह पर हैं हर राज्य में, और जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने बताया कि भुवनेश्वर में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं इस संस्थान में जाके, ना सिर्फ पौधा आपको उपलब्ध होगी बल्कि पूरी जानकारी जो है वो आपको दी जाएगी, साथ ही आपके जिले में भी जो निकटतम जिला में आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार हमारे साथ जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सत्यनारायण जी, हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत सत्यनारायण जी आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना जी। जी सर, मैं ये जानना चाहता था कि चीकू की उन्नत किस्म और उसको मतलब हमारे यहाँ कहाँ उपलब्ध हो जाएगी मध्य प्रदेश में चीकू के पौधे। जी चलिए, चीकू के बारे में जानना चाह रहे हैं डॉक्टर शर्मा, आपका रुख हम करना चाहेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश से। हमारे किसान जुड़े हैं सत्यनारायण जी और ये चीकू की खेती करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि कैसे उसकी खेती होगी, कौन सी उन्नत किस्म है और क्या संभावनाएं हैं, ये भी महत्वपूर्ण। मैं जान सकता हूँ कि किस क्षेत्र से बोल रहे हैं मध्य प्रदेश से सत्यनारायण जी? कोशिश हम कर रहे हैं सत्यनारायण से बातचीत करने की। हेलो सत्यनारायण जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर, रायसेन जिला से जुड़ा हूँ जी, रायसेन भोपाल के पास में सर, रायसेन। चलिए रायसेन से ये बात कर रहे हैं जी। देखिए जी, सुन पा रहे हैं
जी थोड़ा सा नमी चाहता है। वैसे तो बहुत वेस्टलैंड फ्रूट है वो कि जहाँ पे जमीनें मुश्किल हो, लेकिन वातावरण में थोड़ी नमी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, पॉट सपोर्ट है, क्रिकेट बॉल है, काली पत्ती है, तो ये बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनको वो लगा सकते, लेकिन उनके क्षेत्र में थोड़ी नमी होनी चाहिए, वातावरण की नमी आवश्यक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सूखी गर्मी में चीकू का उत्पादन उतना अच्छा नहीं होता। जी हालांकि हमने देखा है कि जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुछ क्षेत्रों में चीकू हो रहा है, जहां पे गंगा के किनारे जहां पे थोड़ी सी नमी रहती है, वातावरण में थोड़ी सी नमी है और थोड़ा कूलिंग रहता है। अगर आप उत्तर भारत की जैसे ग्वालियर जैसे क्षेत्र की अगर आप बात करें या मुरैना की बात करें तो वहां पे चीकू का उत्पादन संभव नहीं है। अगर आपके यहाँ वातावरण में थोड़ी नमी है तो क्रिकेट बॉल और सपोर्टर काली पत्ती या बहुत सारी प्रजातियां आप नई आ रही है जिनको वो लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन कर सकते। चलिए बिल्कुल, तो देखिए नमी का ख्याल आपको रखना होगा, उसके बाद ही आप आगे की अपनी जो योजना है उसको तैयार करें। फिलहाल यहाँ रक्षतोमर आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपने बताया किस तरीके से अच्छी उपज जो है मूली की हम ले सकते हैं, लेकिन खाद या उर्वरक की अगर हम बात करें, क्योंकि किसानों की अक्सर धारणा यही होती है कि ज्यादा खाद देंगे तभी शायद अच्छी उपज मिलेगी, क्या इसके लिए संतुलित मात्रा है? देखिए मूली एक ऐसी फसल है जो तकरीबन बारिश के मौसम में 40 से 45 दिन में, अधिकतम 50 दिन की अवधि में तैयार हो जाती है। जी तो ये बात तो निश्चित है कि जो फसल तेजी से बढ़ेगी उसको ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता है, लेकिन ये भी नहीं है कि हमारे किसान भाई आंख मीच के अपने उर्वरकों का इस्तेमाल करें, अपनी खेती की लागत बढ़ा दें। जी तो मैं दो बातें कहता हूं अपने किसान भाई, पहले तो आप अपनी मिट्टी की जांच कराओ, मिट्टी में कितनी मात्रा नत्रजन फास्फोरस पोटास की है, कार्बनिक तत्व की है, उसके आधार पे आपको उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आपके पास पशुपालन करते हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद है, तो एक एकड़ के अंदर कम से कम 8 से 10 गाड़ी जी या ट्रॉली जो है सड़ी हुई गोबर की खाद मिलानी चाहिए बुआई से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले, और उसके बाद उसको खेत में मिला दें, पानी दे दें, प्लेवा कर दें, प्लेवा करके बुआई करें। अब बात आती है, ये तो हमारे जो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या नीम की खली या महुआ की खली स्थानीय रूप से अगर ये भी उपलब्ध है, इनको भी हम 8 से 10 क्विंटल की मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इन सब विकल्पों के बाद भी हमको रासायनिक उर्वरकों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें आपको नत्रजन के रूप में यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, फास्फोरस को देने के लिए आप सुपर फास्फेट सिंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जड़ों के बेहतर विकास हो, उनका सख्त ना हो, उनका रूप अच्छा हो, आकर्षक जड़ों के विकास के लिए पोटेशियम का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। और नत्रजन की मात्रा दो बार में दी जाएगी, एक बार बुआई के समय दी जाएगी आधी मात्रा, और बाकी शेष मात्रा को 25 से 30 दिन के बाद जब दोबारा मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जाता है जी, उस समय पे फसल में छिड़काव के द्वारा साइड ड्रेसिंग करके देते हैं। जहां तक बात है फास्फोरस और पोटास के उर्वरकों की, एक एकड़ में किसान भाइयों को एक बैग पर्याप्त रहता है इसका डीएपी का, और दो बैग इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई हमारे सुपर फास्फेट सिंगल के। अगर म्यूरेट ऑफ पोटास यूज कर रहे हैं जिसमें 60% फास्फोरस है, तो उसका भी एक बैग बुआई के समय इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि मूली जो है एक ऐसी फसल है जिसमें सल्फर का इस्तेमाल जमीन से काफी होता है, अगर जमीन के अंदर सल्फर तत्व की कमी है तो ऐसे में मूली का उत्पादन कम होता है। तो जब मिट्टी की जांच कराते हैं और मूली की खेती करना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो उसमें सल्फर तत्व की भी जांच करा लें, ये भी अगर तत्व की कमी है, सल्फर की कमी है, तो निश्चित रूप से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव करना भी जमीन में जरूरी है, बुरकाव करें, इससे जो है हमारे किसान की फसल का बेहतर प्रबंधन होगा। जी संतुलित पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना मूली के लिए जरूरी है, क्योंकि उसमें जमीन में कार्बनिक तत्व का होना जिसको हम गोबर की खाद के माध्यम से दे सकते हैं जी, और रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से हम फसल की जो मांग है नत्रजन की, फास्फोरस पोटास की, उसकी भी पूर्ति हम कर पाएंगे, हम कर सकते हैं। चलिए इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ हेलो सर जी, बालाजी आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो सर जी,
हाँ सर, मुझे शर्मा जी से बात करना था सर जी। हाँ सर, तो मुझे अमरूद का पेड़ लगाने का है जी। हाँ तो सर बोल रहे थे कि एक साल का पेड़ लगाए, इससे ज्यादा आयु का मत लगाए जी। बिल्कुल, पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर दें। और डॉक्टर शर्मा, ये सवाल आपके लिए आया है, नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं, अमरूद की खेती करना चाहते हैं और जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से, जो अगर जैसा आपने बताया कि जो हमारा पौधा है कितना पुराना है, कब हमें लगाना है, इस बारे में पूरी जानकारी लेना चाह रहे हैं। अमरूद के बारे में जी, देखिए हम कोई फल पौधा लगाए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि जहाँ तक प्रजाति की बात है, मैंने अभी बताया कि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो सब जगह लगाई जाती है, जैसे लखनऊ मंजास है, अलावा सभ्यता है, और पंतनगर से एक बहुत अच्छी प्रजाति निकली है पंत प्रभात जी, और पंजाब पिंक है, हिसार सुल्तान है, हिसार सभ्यता है, तो ये बहुत सारी प्रजातियां ग्वालियर सत्ता है, इनको ये लगा सकते हैं। जहां तक लगाने की बात है तो मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि अमरूद में अगर हो सके तो वो क्यों नहीं पौधा लें, क्योंकि इसमें अगर वो बर्ड या ग्राफ्टिंग वाला पौधा लेते हैं तो हमें उसमें जो रूट स्टॉक यूज किया जाता है वो उससे पौधे की जो लॉन्जिबिलिटी हम कहें या लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना ज्यादा बनती है। हालांकि इसमें लेयर सक्सेसफुल तरीके से प्रयोग में लाई जाती है, लेयर भी बेचे जाते हैं पौधे, तो लेयर पौधे थोड़े से कम गहराई वाले होते हैं तो या उनमें बिल्ट वगैरह भी जल्दी आ जाती है, तो अगर हो सके तो ये बडेड या ग्राफ्टेड पौधा खरीदें, और पौधा कभी भी एक साल से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इनको पौधा जो है पॉलिथिन बैग में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पौधे की मरने की संभावना कम होती है, तो इस तरह से ये एक साल के अंदर अंदर पौधा खरीदें और बडेड या ग्राफ्टेड पौधा खरीदें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बिल्कुल, देखिए उन्नत किस्म में जिसका चयन अगर आप करेंगे तो अच्छा उत्पादन आने वाले समय में इसके जरिए आपको मिल सकेगा। फिलहाल हेलो किसान में वक्त उछला एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? क्या सुना मेरी सौतन को? किसको? वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे कि शाम कौन से से बातें हो रही हैं। क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो जैसे बात ऐसा क्या है? अब तो ज्यादा लाइन और खास तकनीक के कारण खेती के बाहर हो तो उस बात से बैठती है और अगर कभी जान दे तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करना तो वहां से फोन आ जाता है और समस्या के हिस्सा मैसेज आ जाता है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिलहाल हमारे साथ कैलाश जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत कैलाश जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ जी सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप कैलाश जी अपना? सर पपीते के पौधे लगे हैं
जी तो फल भी झड़ रहे हैं उसमें और पत्ते गिर जाते हैं सर। चलिए बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं कैलाश जी, और सवाल इनका पपीते को लेकर है, फल भी झड़ रहे हैं पत्ते भी जो है वो गिर जाते हैं, क्या आखिर इसकी वजह और कैसे ये जो समस्या है इसका समाधान इनको मिल पाएगा पपीते में? जी देखिए पपीते में क्या होता है, जैसा मैंने अभी बताया था कि इसमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं, तो अगर उसमें परागण ठीक तरह नहीं होगा, हम ये कहते हैं कि नौ पौधों के बीच में एक नर पौधा होना चाहिए, ये आवश्यक है, अगर नहीं होगा तो परागण नहीं होगा तो जो फल सेट करेंगे वो छोटे छोटे होकर गिर जाएंगे, ये मुख्य समस्या है। और जहां तक अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो उसके लिए उसमें नमी कम रखें, और उसमें एक दवा आती है रिडोमिन एडजेट नाम से, जो 2.5 ग्राम प्रति पानी में घोल बनाकर उसके जड़ में डाल दें तो जो जड़ वाली बीमारी होगी वो समाप्त हो जाएगी, उसके जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं चल रहे हैं तो वो कंट्रोल हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, नमी ज्यादा आपका ध्यान रखें, अगर नमी ज्यादा रखेंगे तो पपीता बहुत ही ससेप्टेबल है बीमारी के लिए, रूट रॉट के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें, और इससे जो पत्ते की समस्या खत्म हो जाएगी। और अगर फूल झड़ रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको कहा कि उसमें नर पौधे जो है 1:10 होना ही चाहिए, 10 में से एक पौधा नर आवश्यक है, इसीलिए मैं कहता हूँ ब्रैडलेटी जैसी जो प्रजातियां हैं उनमें गायनोडायसिस प्रजातियां हैं, उनमें नर और मादा फूल एक ही पौधे में आते हैं, इसलिए आपको उपज ज्यादा, यानी उनका चयन करना बेहतर है हमारे किसानों के लिए अगर आप पपीते की खेती करना चाहते हैं। साथ ही यहाँ लोकसभा में आपसे भी हम जानना चाहेंगे, मूली की जब खेती की हम बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी इसमें मान सकते हैं रोग या बीमारी की संभावना रहती है जिसकी वजह से किसानों को कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, लेकिन ये नुकसान कम से कम हो और मुनाफा ज्यादा मिले, किन बातों का ख्याल रखें इसके लिए? देखिए मूली के अंदर जब हम बारिश के मौसम में बिजाई करते हैं, मैंने प्रारंभ में कहा था, फिर पुनः दोहराना चाहूंगा, ये तापक्रम अधिक होता है, नमी अधिक होती है, तो ऐसी परिस्थितियां फफूंद के रोगों के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं, और अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो हम बहुत बड़े संकट में आ जाते हैं। तो पहला सुझाव तो हम किसान भाइयों को ये देना चाहेंगे कि जो आप मूली की अगर खेती कर रहे हैं, उन्नत किस्म के बीज का आप चयन करें और बीज का उपचार करें, अगर बीज उपचारित है तो उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है जी, अगर बीज उपचारित नहीं है तो किसान भाई बुआई से पहले बीज को उपचारित करें, और उसके लिए कैप्टान थीरम बारिश के लिए 3 फफूंदनाशी हैं, इनमें से 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीज को शुष्क विधि से इसको जो है उपचारित करके बुआई करें, एक जी बात ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान ये रखनी है कि जब आप बुआई करते हैं तो मेड़ों के ऊपर बुआई करें और पर्याप्त नमी होनी चाहिए, कई बार किसान भाई सूखे में बुआई कर देते हैं उसके बाद पानी देते हैं तो इससे नमी एकदम से अधिक बन जाती है तो बीज को खतरा हो जाता है आर्द्र गलन रोग से जी। तो कई बार किसान भाई बीज की बुआई करते हैं, बीज अच्छा होने के बावजूद भी उग नहीं पाता है, या उगते के बाद पौधे उड़ जाते हैं, कई बार कहते हैं जी पौधे उड़ गए, वो आर्द्र गलन रोग है तो उसकी वजह से पीथियम के कारण होता है, तो बीज उपचार उसका एक उपाय है विकल्प। और दूसरा अगर पौधे उगने के बाद मरते हैं तो उसके बाद उसमें कैफ्टान का घोल बना करके छिड़काव किया जा सकता है। और तीसरी स्थिति आ सकती है इस मौसम में गिंडार की या सरसों का जो बरगडा होता है जी, जब बुआई करते हैं या प्रारंभिक अवस्था होती है, इसमें पौधों की पत्तियों का रस चूसता है या उसकी जो शीर्ष भाग है जिससे वृद्धि होती है उसको नुकसान करता है, तो उसके लिए पहला तो बात है किसान भाई निगरानी रखें। सरसों का बरगड़ा ये एक गोल से आकृति वाला कीड़ा होता है और उसको आराम से आप पहचान सकते हैं, और इससे बचाव के लिए किसान भाई या तो अपना जो परंपरागत तरीके की खेती करना चाहते हैं तो उसमें राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सुबह के समय पत्तियों के ऊपर राख का छिड़काव कर दें, ब्रॉडकास्टिंग कर दें जी। दूसरी बात है अगर आपके पास ये चीज व्यवस्था नहीं है, आप उसमें एबामिक्टिन एक कीटनाशक है जो रस चूसने वाले कीड़ियों के लिए काफी प्रभावी है, उसको 2 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवाई के हिसाब से घोल बनाएं, यानी कि अगर 15 लीटर की टंकी है तो उसमें 7.5 मिलीलीटर एबामिक्टिन मिला लें और मिला करके उसका छिड़काव कर दें, तो इससे जो है हम बरगड़ा से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। चलिए बिल्कुल, काफी हद तक ये समस्या है और इनके लिए देखिए समाधान आपको क्या करना होगा, सावधानी क्या रखनी होगी, ये भी डॉक्टर तोमर ने बताया। और एक और दर्शक हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका, हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं जी? हेलो जी, रामेश्वर जी,
ये सर अपने 1 जुलाई 2012 को संतरे का बगीचा लगाया था 1 हेक्टेयर जमीन में जी। तो सर अपने 251 पौधे है बगीचे के कुल पर। सर ये अभी बगीचा पूरा नहीं आ रहा है, एक साथ पूरा नहीं आ पा रहा है एक साथ। जी हाँ हाँ, पूरा बगीचा एक साथ नहीं आ रहा। चलिए बिल्कुल, एक बार फिर यहाँ रुक करते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा मंदसौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ रामेश्वर जी जुड़े हैं। संतरे का बगीचा इन्होंने लगाया और इस समय भी इन्होंने बताया हमें, लेकिन अभी तक जो इनको समस्या लगती है यही कि पूरा जो बगीचा है वो एक साथ नहीं आ पा रहा है। देखिए उसमें या तो क्षेत्र की मिट्टी में कोई अंतर होगा जी, या जो मूल ग्रंथ यूज किए वो अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए जो पौधे धीमे बढ़ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, मेरी तरफ से उनको कमेंट कीजिएगा कि जो है जब उस पर फूल खिल चुके छोटे छोटे फूल लग जाए, खास करके मार्च के अंतिम सप्ताह में 600 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस और 400 ग्राम पोटास इसकी मात्रा पौधों में दें तो उनकी वृद्धि बहुत अच्छी होगी। और लेकिन जब खाद देते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम उसे पर्याप्त नमी होनी चाहिए या खाद देने के तुरंत बाद सिंचाई करें, और जनवरी के महीने में कम से कम 30 से 40 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद दें। अगर वो ऐसा करें तो सारे पौधों में बहुत अच्छी वृद्धि होगी और उन्हें सारे पौधों से एक साथ फल मिलना शुरू हो। जी बिल्कुल, ना सिर्फ रोपण, देखिए जो देखभाल है बागों की वो भी बेहद जरूरी। और इस पर आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की डॉक्टर राम शर्मा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए तो बता रहे थे कि इस तरीके से अगर नए बाग आप लगाना चाह रहे हैं उनकी देखभाल आपको कैसे करनी है। साथ ही यहाँ डॉक्टर शर्मा आपसे भी काफी सवाल हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि उपज हम कैसे बेहतर ले सकते हैं, लेकिन मूली की खेती करके जो मुनाफे की जब बात की जाती है कैसे इसको बाजार में अच्छे ढंग से हम पहुंचाएं जिससे अच्छा खासा मुनाफा भी हमारे किसान ले सकें, उसके लिए क्या करें? देखिए आज हमारे देश में सब्जी उत्पादन में जो रिवोल्यूशन आया है जी। और हमारे देश में अब हम तकरीबन 187 मिलियन टन सब्जी पैदा कर पा रहे हैं। क्षेत्रफल हमारा लगभग सीमित है जी। क्षेत्रफल में पिछले एक दशक में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो इस बात को दर्शाता है कि हमारी उत्पादकता बढ़ रही है। जब हमारी उत्पादकता बढ़ती है तो निश्चित रूप से किसान भाई की जो मेहनत है या वैज्ञानिकों के जो प्रयास हैं और सरकार की नीतियों का कहीं न कहीं ये प्रदर्शन है जी। तो इसमें अगर हमें मूली, क्योंकि मैंने बताया था कि एक छोटी अवधि की फसल है और ये कम समय में तैयार हो जाती है, और बारिश के मौसम में उन्हीं किसानों को इसको आजमाना चाहिए जो अनुभवी हैं जी। जो नौसिखिए किसान हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, पारंगत किसान इसमें आए तो बढ़िया है, और जो किसान नए जुड़ना चाहते हैं तो उनको पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी, उसकी स्वॉट एनालिसिस करनी होगी कि भाई क्या क्या चुनौतियां होंगी, यानी एकदम से शुरुआत इसकी ना करें। एकदम से शुरुआत ना करें क्योंकि बेमौसमी में थोड़ी चुनौतियां ज्यादा होती हैं। अगर कोई किसान पहली खेती करता है मूली की पहली बार और वो करता है सितंबर से नवंबर के बीच में, तब उतना कोई रिस्क नहीं होता है, लेकिन जो वर्षा के मौसम में मूली की जब हम खेती करते हैं तो उसमें पारंगत रूप से जो किसान है, जो अनुभवी है, वो उसमें बेहतर फायदा ले पाते हैं। और दूसरी इसमें बात यह है कि भाई किस्मों का बहुत बड़ा योगदान है, जमीन की किस्म किस प्रकार की है, उसका प्रबंधन किस प्रकार से कर रहे हैं, वहाँ की पानी की व्यवस्था कैसी है, यानी ये तमाम कारक हैं जिन पर हमें हमेशा ख्याल रखना होगा, देखना होगा। प्रमुख सावधानी के तौर पर देखिए ये हमें पहले से ही ध्यान रखना होगा, अगर हम सोचते भी हैं कि अगर मूली की खेती करने जा रहे हैं तो पहले ही इन तमाम कारकों का आप ख्याल रखें। डॉक्टर तोमर आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप सभी ने जाना ना सिर्फ मूली की खेती बल्कि अगर नए बाग आप लगाना चाहते हैं, उनका रोपण करना चाहते हैं, उनकी देखभाल आपको कैसे करनी होगी। अब चलिए आपको हमारे जो कल का विषय रहेगा इसके बारे में भी जानकारी देते हैं, जिससे पहले से आपने सवाल तैयार कर लें। कल बात करेंगे खरीफ फसलों में जीवाणु उर्वरकों के प्रयोग की और साथ ही बात होगी पोषक तत्वों के जैविक स्रोत की। ये कल के विषय रहेंगे जिस पर आप अपने जो सवाल है पूछ सकेंगे हमारे विशेषज्ञों से। और इसके साथ ही आप अपना सवाल या सुझाव कोई लिखकर भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहां भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बात करते हैं आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। जी हाँ, आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं।
तो तमाम विकल्प आपके पास मौजूद हैं जिनके जरिए आप अपना सवाल जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश हमारी यही कि जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।